प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मूंग दाल से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो हमने इस तरीके साबुत मूंग ले लिया है, एक मीडियम साइज टमाटर काट लिए हैं, एक हरी मिर्च काट लिए हैं, 5-6 कलियाँ लहसुन महीन काट लिए हैं, एक बड़ी साइज प्याज बारीक काट लिए हैं और ये हींग है, चुटकी भर हींग डालेंगे। तो सबसे पहले हम मूंग दाल को अच्छी तरीके धुल लेते हैं। मूंग दाल को अच्छी तरीके धुल लेते हैं, अब इसमें का पानी फेंक देंगे। मूंग दाल हमने बढ़िया से धुल लिया है, आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस जलाएंगे, प्रेशर कुकर रखेंगे, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे। तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है, एक बड़ी इलायची डालेंगे, इलायची को हमने कूट लिया था, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा बढ़िया से चटक चुका है, कटी हुई प्याज डाल देते हैं, प्याज को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, गैस को फ्लेम हाई रखेंगे, प्याज का कच्चापन खत्म हो गया है, कटा हुआ मिर्च और लहसुन डाल देते हैं, इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया है, बढ़िया से भून लिए हैं, अब धुला हुआ मूंग दाल डाल देंगे। सभी मूंग हमने डाल दिया है, अब इनको अच्छे से भून लेते हैं। यह रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। दाल बढ़िया से हमने भून लिया है, अब कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिला देते हैं। अच्छी तरीके हमने मिला दिया है, अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे दाल पतली पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए और गाढ़ी दाल पसंद करते हैं तो कम डालिए। ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है, थोड़ा पानी और डाल देते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी तक पका लेते हैं मीडियम फ्लेम में। तीन सीटी तक पक गया है, गैस निकालेंगे। प्रेशर कुकर की गैस हमने निकाल दिया है, ढक्कन हटाएंगे। दाल बढ़िया से पक गई है, ये देखिए मूंग दाल बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके हम कलछुल से थोड़ा मसाल देते हैं दाल को। अब हम तड़का लगाएंगे, कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है, 1/2 चम्मच जीरा, 2-3 कलियाँ लहसुन महीन काट लिए थे इनको डाल देते हैं। जीरा अच्छे से चटकने लगा है, ये देखिए लहसुन की कलियाँ को भी सुनहला कलर तक पका लेते हैं। लहसुन की कलियाँ का सुनहला कलर हो गया है, ये देखिए। अब हम पकी हुई मूंग की दाल डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए मूंग दाल की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, कोई गलतियाँ हो माफ करिए। ढक्कन लगा देते हैं, 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। अगर हमारी आज की मूंग दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।